जगदीश चैटर्जी। बहुत से लोग हैं एज ए सीनियर साइंटिस्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं। काम के मामले में बहुत सीरियस है। इनकी एक ही कमजोरी है, कम उम्र वाली लड़कियाँ। ये है आलोक विश्वास। 2 साल हो गए एमटेक करने के बाद यहाँ पर एज ए जूनियर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। सीरियस होने के बाद भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसकी गर्लफ्रेंड सुहासी के ऊपर जगदीश की नजर। लावोनी दत्ता यहाँ पर लैब असिस्टेंट है 1 महीने से। पुलिस कमिश्नर की भांजी होने के वजह से जगदीश इसको थोड़ा संभाल कर चलते हैं। क्या हुआ लावोनी, इतना हाफ क्यों रही हो? हाँ पापा, ना तो की करबो, केमिकल सेट की फाइल नहीं मिल रही मुझे। क्या बक रही हो लावोनी, ठीक से देखो, यही कहीं होगा। अरे तुम लोगों को देखकर तो लगता है कि आज के पृथ्वी ध्वंस हो गए। चिंता की कोई बात नहीं है, उस फाइल की एक कॉपी मेरे घर पर है। सर, उस फाइल की ओरिजिनल कॉपी आखिर गया कहाँ? एक बात ध्यान से सुनो बच्चा लोग, यहाँ पर जो भी सिचुएशन है वो किसी बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। लावोनी जाओ, देख कर आओ कौन आया है। क्या कहा था, मुझे कॉलेज से पिकअप करने आओगे, और तुमने आज अपना प्रॉमिस तोड़ा। बाय द वे मैं जा रही हूँ, मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। नाराज मत हो जानू, आज के काम बहुत इम्पोर्टेंट था, बस अभी अभी खत्म हुआ है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आइंदा से ऐसा नहीं होगा। अरे अब तो मान जाओ। सुहाशी, कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूं, काफी फिट लग रही हो। और हाँ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता सकती हो, मैं लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ठीक है बच्चों, शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने अभी अभी एक ऐसी केमिकल बनाया है जिससे मानव जाति की एक बड़ी प्रॉब्लम हल हो जाएगी, और वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या बात है सर, आपने ये कैसे किया? ओह थोड़ा गलत हुआ, असल में इसका अभी सिर्फ बीटा वर्शन बना है, लेकिन ये भी बड़े काम का है। ये जो बीटा वर्शन है ये निकोटीन और अल्कोहल वाले नशीली चीजों का जो आकर्षण है उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लावोनी तुम मीडिया को इन्फॉर्म करो, मुझे उन लोगों को इसके बारे में कुछ बताना है। और आलोक तुम उस केमिकल सेट की ओरिजिनल कॉपी आज अपने घर पे जाके ढूंढो, क्योंकि लास्ट टाइम उसे तुमने ही अपने साथ घर पे लेके गए थे। यस सर।
मैं आप सब लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर मेरे कहने पर यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा बातें ना बढ़ाते हुए मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मैंने एक ऐसा केमिकल बनाया है जिससे अगर मेडिसिन तैयार की गई तो ये मेडिसिन नशीली चीज़ों का नशा हमेशा के लिए मिटा देगा। ये आप कैसे कह सकती है? ये सारी नशा करने वाले चीज़ को आप खत्म कर देंगे? सर, मेरा एक सवाल है, आपको क्या फायदा है सब करके और आप क्यों बना रही है ये दवाई? और कोई कुछ पूछे इससे पहले मैं इन दो सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ। मैं एक ऐसी नई पीढ़ी की मानव जाति का निर्माण करना चाहता हूँ जो ज़्यादा साल जिए और अच्छे से जिए, जैसे हमारे पूर्वज जीते थे। और हाँ, पहला सवाल कि ये दवाई काम करता है कि नहीं, तो इसका जवाब अभी भी मुझे मिला नहीं। जवाब जानने के लिए मुझे 3 टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए होंगे। सर, ये तो जानलेवा हो सकती, और कौन आएगा जानबूझ के मौत के मुंह में कूदने? बात तो ये आपने सही कही है कि कौन आएगा जानबूझ के अपने आप को मौत के हवाले करने। पर अगर आप जरा ध्यान से सोचे और समझे तो आपको पता चलेगा कि इन नशा करने वाली चीज़ों का जो इस्तेमाल आजकल लोग करते हैं, खासकर आज की यंग जनरेशन, उस काम में तो किसी की प्रॉफिट नहीं है। मगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये वादा करती है कि अगर कैंडिडेट अपनी मर्जी से इस प्रयोग का हिस्सा बनता है तो उनको 5 करोड़ मिलेगा, और किसी भी तरह अगर प्रयोग के दौरान उनकी मौत होती है तो ये अमाउंट उनके घर वालों को मिलेगा। और दूसरी बात कि उनके नाम सुर्खियों पे नहीं आएंगे जो इस प्रयोग का हिस्सा बनना चाहते हैं, और सब्जेक्ट्स होंगे यंग एडल्ट्स, उनकी उम्र 18 से 22 साल के अंदर होनी चाहिए, और जो इस प्रयोग का हिस्सा बनना चाहते हैं वो अपना डिटेल हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। हम आपसे सिर्फ 4 सवाल पूछेंगे। आपने इतने कम रिपोर्टर्स क्यों बुलाए? और आपके ये जो एक्सपेरिमेंट है, अगर ये सफल हो गया तो ये जो पूरा बिजनेस है इन नशा करने वाली चीज़ों का, इनका क्या होगा? और ये जो बिजनेसमैन है उनका नुकसान कौन भरेगा? और आगे ये लोग क्या करेंगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़्यादा भीड़ बढ़ाने का आज मेरा मूड नहीं था। मेरी असिस्टेंट ने आप लोगों को ऐसा ही लकी ड्रॉ की तरह सिलेक्ट किया। सेकंड आंसर, उन नशा करने वाले चीज़ों का आप रिसाइकल करें या फिर नष्ट कर दें। और थर्ड आंसर इज, बिजनेसमैन ने अब तक जो पैसे कमाए हैं उनसे कोई और लोगों के हित में हो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें। और आखिर में कहना चाहता हूँ कि गलत करनी करोगे तो भरोगे ही ना। उप्स, ये तो थर्ड क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अच्छा, तुम लोगों ने घर पर क्या कहा? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? बहुत कहने के बाद अब्बा माने। वो तो मैंने कहा एग्जाम के लिए ज़रूरी नोट्स लेने हैं, ट्यूशन टीचर ने बुलाया सबको। सिर्फ अम्मी के कहने पर अब्बा ने मुझे आने की इजाज़त दी। हाँ तो ओ, तুম লোক নন বেঙ্গলি হো, তাহলে আমাকেও তো সব হিন্দিতে উড়াতে হবে। তুম লোক ফির ভি তো ঘর পে কুছ না কুছ বলতে আয়ে হো, লেকিন মেনে কুছ নহি বোলা। কিউ, তুমারে মাম্মি পাপা তুমে কুছ নহি কহতে? তুমকো দেখনে সে হি পতা চলতা হ্যায়, তুম কাফি বদমাশ কিসম কে লড়কে হো। তুম রহতে কহাঁ হো? স্লাম ডগ বিলিয়নিয়ার নহি দেখা? ও স্লাম ডগ বিলিয়নিয়ার নহি, মিলিয়নিয়ার হ্যায়। আব সমঝি, তুম শায়দ বস্তি মে রহতে হো, মুঝে পহলে হি সমঝ আ জাইয়ে থা। एक टू गलती, मैं बिलेनियर बनूंगा।
5 करोड़ का इनाम है, टीवी में ठीक से देखा नहीं था क्या? अरे अरे शांत हो जाओ यार, क्यों आपस में झगड़ रहे हो? याद रखो हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम लोगों को पैसा चाहिए, पैसा। और एक सीधी बात समझ लो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हेलो, हाँ कहाँ? चलो 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 चलो। ये लो तुम लोग का टैबलेट, टाइम पे खा ले। मैं परसों यहीं पर आऊंगा, ठीक इसी समय, टाइम पे आ जाना। बहुत सारे मेल्स आए थे लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने रैंडमली तुम तीनों को सिलेक्ट किया। ठीक है जोया, राहुल, छोटन, आज चलते हैं। माँ, ओ माँ, रुको आ रही हूँ। माँ, ओ माँ, अरे सुनाई नहीं देता क्या? क्या हुआ? मेरा ऑमलेट कहाँ है? मैंने बोला था ना ऑमलेट बनाने के लिए। राहुल, कितने बदतमीज हो गए हो तुम? और ये क्या शराब? तुम शराब कब से पीने लगे? तुम एकदम अपने बाप की तरह निकले हो, शराबी। हाँ मैं हूँ शराबी, मैं रोज पीता हूँ, क्या कर लोगी? जाओ मेरे लिए ऑमलेट लेके आओ। तुम्हें क्या हो गया माँ? मैंने ये क्या कर दिया भगवान? हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने ये माँ? माँ तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, माँ माँ तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ।
क्या बात क्या बात, आज पूरा गेटअप चेंज, कुछ करने का इरादा है क्या? अपनी बकवास बंद कर और सीधे बात कर, माँ ने उल्टा पैदा किया था क्या? अबे तेरी तो सुन बे हरामी, अब तो तुझे माल भी नहीं मिलेगा। मैं तो साला एक भिखारी को मिला था झोपड़पट्टी में, उसी ने पाला और बड़ा किया। इंडिया में कूड़े कचरे में बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जैसे फूलों में खुशबू, और बच्चे कुछ तुम लोग जिन्हें अच्छे जिंदगी जीने का थोड़ा सा मौका मिलता है और वो भी तुम लोग बर्बाद करके रख देते हो। अरे रुको राजा, कहाँ जा रहे हो? क्या है थैली में? दिखा। रास्ता छोड़ मेरा। दिखा क्या है? ये मेरा इलाका है, अगर बसना चाहता है तो आधा माल दे दे, वरना तेरी लाश यहाँ से जाएगी। যা ঝড় গেল কল্পনাই করতে পারছি না, সব গলত হুয়া সুহাসি। क्या हुआ बताओगे? तो तुम्हारे सर को तो कुछ नहीं हुआ? सर को पुलिस ने पकड़ा, और जिन बच्चों को हमने सब्जेक्ट बनाया था वो सब भी जेल में है। पुलिस ने मुझे कॉल किया और बच्चों के बारे में बताया। थोड़ा डिटेल में बोलो, आखिर हुआ क्या? तो सुनो, आखिर हुआ क्या? क्या हुआ चटर्जी? बहुत तकलीफ हो रही है, उस दिन मुझे भी तकलीफ हुआ था जिस दिन गवर्नमेंट ने मुझे लैब से निकाल दिया था। मुझे यहाँ अपना लैब खोलना पड़ा, मुझे पता है उसमें तुम्हारा ही हाथ है।
देखा मेरे बॉस को तकलीफ देने का नतीजा। आसाद आलम, तुम्हारा खेल खत्म। पुलिस को सब पता चल गया। पता चल गया कि दवाई में गड़बड़ी तुम्हारे इस असिस्टेंट ने ही किया था, और यह भी पता चल गया कि तुम्हारे इस असिस्टेंट ने पुलिस बनकर सर को पकड़ा। मिस्टर आलम, आपने आपको हमारे हवाले कर दो। जब्बर, चढ़ जीवन निशान लगा। आलोक, तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड और मेरी बहन थी। तुम लोगों की हर हरकत और एक्सपेरिमेंट की खबर देती रहती थी। वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। सुहासी के बारे में जानने के बाद आलोक बहुत अपसेट रहने लगा। मिल गया हमको साथी, मिल गया। क्या मिला सर, और कहाँ मिला? मेरा बीटा वर्शन पूरा बन गया, एड्स का एंटीडोट मिल गया। क्या बात कर रहे सर, ये तो कमाल ही हो गया। अब होगी एक नए युग की शुरुआत। सर एक क्वेश्चन है, जो बच्चे सब्जेक्ट थे वो अब ठीक है, पुलिस ने उनको छोड़ दिया, उनको पैसा भी मिल गया, उनकी जिंदगी सवर गई, लेकिन ये केमिकल सेट आखिर करता क्या है? जगदीश सर, रिमेम्बर द न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन There is an equal and opposite reaction.